हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों क्यों मैं खुश हूँ? क्योंकि आज आज के दिन मेरे 50+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग लिख सकते हैं 50। हाँ, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जाऊँगा ऊपर तक। कहाँ से स्टार्ट कर रहा था मैं? 0 से। मैंने क्या बोला था? कोई भी नंबर कहाँ से स्टार्ट होता? कोई भी आदमी जब सक्सेस स्टार्ट करता है कहाँ से स्टार्ट करता है? 0 से। मैंने भी सक्सेस स्टार्ट कहाँ से किया? 0 से। अब मैं कहां तक पहुंच गया हूं? 50+ सब्सक्राइबर। आपका प्यार और रहा तो मैं 50 से 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाऊंगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि यूट्यूबर की। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको पसंद आता है, आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, तो ही आप जाके सब्सक्राइब करिए। अदरवाइज ये 50 सब्सक्राइबर भी मेरे लिए 0 है। अगर आप किसी दबाव में या फिर मेरे बोलने पर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नहीं। आपका जब दिल करे, आपको लगे कि हाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, सब्सक्राइब करनी चाहिए ताकि रेगुलर वीडियो मुझे मिल सके, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तभी ना मेरा जो नोटिफिकेशन, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको दिखा देगा कि सर का वीडियो आ चुका है, अपना एक ऐसे स्पेसिफिक टाइम देख के हम पढ़ लेंगे। तो उसी के लिए हम जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए तब मेरा सबकी तरह बस 0 सब्सक्राइबर थे। उसी में मैंने वीडियो अपलोड किया। बहुत लोग बोले नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग हैं जब तक, तब तक मैं कैसे नहीं चलूंगा। आपका प्यार मतलब मेरा सक्सेस। मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है, तभी ना आप जाके सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक भी कर रहे। लाइक भी अच्छा है। वीडियोस में आज 31 वीडियो है ये मेरा, मतलब अभी तक मैंने यूट्यूब में 30 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 30 वीडियो अपलोड करते ही मेरा 50 सब्सक्राइबर हो चुका है, ठीक है? और आगे भी उम्मीद है कि आपका प्यार बरकरार रहेगा, तो और भी सब्सक्राइब बढ़ाइए ताकि और बच्चे को जोड़िए जो एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि ADC+ भी पढ़ाई होती है यूट्यूब में, और अच्छे तरीके से पढ़ाई होती, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। उन लोगों को बताइए कि पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, अभी आके ज्वाइन करें, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। तो थैंक यू, और आइए क्लास स्टार्ट करें। तो आज क्या देखना? आज देखना पर मन टोटल कमांड। मतलब पर मन टोटल क्या कहता है? सपोज करिए मैं बैंक गया, मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरी है, मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा? बैंक जाऊंगा ना। कि मैं बैंक गया, अपने प्रॉपर्टी को मान लीजिए, क्योंकि लोन लोन ऐसे मिलता नहीं है जल्दी, कुछ आप गिरवी रखिएगा तो ही आपको लोन जल्दी मिलेगा। तो मैं क्या किया, मेरा जो घर का प्रॉपर्टी था मैं उसे गिरवी रख दिया कि मुझे जल्दी लोन मिल जाए, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। तो बैंकर क्या बोलता है, जो बैंक मैनेजर होता है, ठीक, आप अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख दी, अच्छी बात है। उसके बदले मैं क्या किया, 50,000 रुपीज में लिया। जब मैं अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखा, मुझे 50,000 की जरूरत थी, तो मैं क्या किया, 50,000 लोन ले लिया। क्या लिया मैंने? लोन लिया 50,000 की, ठीक है? तो जो बैंक मैनेजर है वो बोलता है कि हाँ 50,000 तो आपको लोन मिल रहा है, लेकिन आपको 10% चार्जेस कटेंगे, मतलब 10% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10% का आपका इंटरेस्ट रेट होगा। अब बैंकर जो है, बैंक मैनेजर, वो बोलता है सर आपका जो लोन है आप कब तक मुझे पे कर दीजिएगा, उसी के हिसाब से मैं आपका वैलिडिटी इन्वर्ट करूंगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, सर 50,000 बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 साल तक मैं पे कर दूंगा, 3 साल का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा। तो क्या बोलता है बैंक मैनेजर, बोलता है ठीक है सर, मैं आपको 3 साल का टाइम दे रहा हूँ, 3 साल का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। अब बैंक मैनेजर क्या बोलता है कि मैं आपको 3 साल का टाइम दे रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, हर महीने आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा, हर महीने आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो कुछ अमाउंट में मुझे क्या अमाउंट जमा करना पड़ेगा, जो कुछ अमाउंट है उसमें मुझे क्या अमाउंट जमा करना पड़ेगा? तो कुछ प्रिंसिपल वैल्यू होगा, मतलब जो 50,000 है, उसमें से कुछ वैल्यू जमा करना पड़ेगा, प्लस जो 10% का मेरा क्या था, 10% का जो मेरा इंटरेस्ट था, 10% का मेरा जो इंटरेस्ट था वो भी मुझे पे करना पड़ेगा थोड़े थोड़े पैसों में। जैसे 3 साल में मुझे कितना, 36 मंथ्स होते हैं, 3 ईयर में 36 मंथ्स होते हैं, तो मुझे 36 बार पे करना पड़ेगा कुछ कुछ सर्टेन अमाउंट, मतलब छोटे छोटे पैसे। जैसे 50,000 एक बड़ा पैसा है, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट, पैसा प्लस इंटरेस्ट। अब मुझे क्या करना है, 36 टाइम्स में उसको पे करना है। तो मैं क्या करूंगा, छोटा छोटा मुझे दिया जाएगा कि छोटा छोटा अमाउंट है आपको 36 बार में आपको पे करना है, ये जो छोटा छोटा अमाउंट है आपको 36 बार में पे करना है, तो आपका 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे 1 महीना हुआ मैं पे किया पहला अमाउंट, ठीक है, फिर जैसे 2 महीना हुआ मैं दूसरा अमाउंट पे किया, फिर 3 महीना हुआ मैं 3 अमाउंट पे किया, मतलब इसी तरह छोटा छोटा अमाउंट पे करके जो मेरा लोन था, जितना मैंने लोन लिया था, वो 3 साल के बाद मेरा रिकवर हो जाएगा, मतलब मैं पूरा पे कर दूंगा। तो ये जो छोटा छोटा अमाउंट है, यही मेरा क्वेश्चन आता है कि कितना पे करना होगा। मैं अगर 50,000 का लोन लिया हूँ और 10% मेरा इंटरेस्ट है, मैं 50,000 का लोन लिया हूँ, 10% मेरा इंटरेस्ट है, और मुझे 3 साल में पूरा करना है, तो मुझे हर महीना कितना देना होगा,
हर महीना मुझे कितना देना होगा ताकि 3 साल के बाद, 36 महीने के बाद ये लोन जो है कंप्लीट हो जाए और मैं लोन से छुटकारा पा लूं, मैं लोन से छुटकारा पा लूं 3 साल के बाद। तो यही बात होता है कि मुझे हर महीने कितने पैसे देने पड़ेंगे, हर महीने मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं लोग, पर मंथ टोटल कमांड का यूज करते हैं ताकि हर महीने मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे वो मुझे पता चल जाए। पर मंथ टोटल का डेफिनेशन देखते क्या बोलता है पीटीएम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है पीटीएम, पर मंथ टोटल। क्या बोलता है, दिस कमांड इज यूज टू सी पर मंथ टोटल वैल्यूज। इसे कमांड भी बोल सकते हैं या फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज यूज टू सी पर मंथ टोटल वैल्यूज, या दिस कमांड इज यूज टू सी पर मंथ टोटल वैल्यूज, ठीक है। इस कमांड के मदद से हम क्या सीखेंगे कि मुझे 50 लाख का मेरा लोन है तो फिर मैं कितने टाइम में, कितना इंटरेस्ट के साथ, कितने टाइम में मैं पे करूंगा पर मंथ में, तब जाके मेरा जो लोन होगा वो सक्सेस हो जाएगा कि पूरा अमाउंट मैं पे कर दूंगा, ठीक है। पर मंथ निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, पर मंथ निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये है मेरा बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि आप एक्सेल सेल को सिलेक्ट करिए, जो मेरा सेल है भैया, जो मेरा एक्टिव सेल है, इस पे जाइए, ठीक है। इसमें मैं किया कौन सा एक्टिव सेल है मेरा, B4। कौन सा एक्टिव सेल है, B4। अब मैं जब B4 में गया उसमें, क्योंकि मुझे पर मंथ टोटल किसमें देखना था, B4 में ही देखना, तो मैं कहाँ जाऊंगा, B4 में जाऊंगा। तो हमारा पर मंथ टोटल निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या, देखिए बेसिक फॉर्मूला लिखाया गया है इज इक्वल टू PMT इज इक्वल टू, क्या बोला, PMT। PMT मीन्स पर मंथ टोटल, ब्रैकेट ओपन, रेट कॉमा टाइम कॉमा माइनस लोन। क्या बोलता है, रेट कॉमा टाइम कॉमा माइनस लोन, जितना लोन होगा वो माइनस कॉमा 0.1 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इंटर कहते ही क्या होगा कि हमारा जो पर मंथ टोटल है वो आ जाएगा। लेकिन लेकिन क्या बोलता है कि ये जो आएगा आपका वो किसमें आएगा, ईयरली में आएगा। क्या आएगा, ईयरली में, कि प्रत्येक साल आपको कितने अमाउंट पे करने होंगे तो आपका वो आ जाएगा ईयरली में, ठीक है। ठीक है, पर मंथ के लिए हो गया। पर मंथ मुझे क्या निकालना है, मुझे चेक करना है कि पर ईयर मुझे कितना पे करना पड़ेगा। जो मैं 50 हजार का लोन लिया हूँ और 10% का मेरा इंटरेस्ट और 3 साल मुझे पे करने में चाहिए, तो मैं पर ईयर कितना पे करूंगा ताकि 3 साल में मेरा पूरा अमाउंट क्लियर हो जाए। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ईयरली के लिए क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू PMT। PMT मीन्स व्हाट, पर मंथ टोटल, ब्रैकेट ओपन, B2। B2 सेल में कौन सा, मेरा B2 सेल में क्या है, रेट है मेरा B2 सेल पे। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा B3। B3 सेल पे क्या है, मेरा B3 सेल पे मेरा टाइम है, मेरा B3 सेल पे क्या है, टाइम, ओके। कॉमा माइनस B1। B1 में क्या है, मेरा लोन अमाउंट है, B1 में मेरा क्या है, लोन अमाउंट। उसके बाद कॉमा 0.1 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ब्रैकेट क्लोज और इंटर कहते ही क्या होगा कि मेरा जो भी अमाउंट होगा मुझे प्रत्येक साल कितना पे करना पड़ेगा वो मुझे दिखा देगा, मुझे प्रत्येक साल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो मुझे दिखा देगा। कितना अमाउंट हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा, 18,277.95। क्या हो जाएगा, 18,277.95 इतना अमाउंट मुझे पर ईयर पे करना पड़ेगा, ठीक है। पर ईयर मुझे पे करना पड़ेगा इतना अमाउंट, तब जाके मेरा 50 हजार का जो लोन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सर ये तो मुझे पता चल गया पर ईयर मुझे कितना पे करना है, लेकिन जब मुझे पर मंथ कितना पे करना वो जानना रहेगा तो मैं क्या करूंगा। तो उसके लिए क्या सिंपल फॉर्मूला क्या, ये बेसिक फॉर्मूला, ये जो आपको लिखाया गया है, ये क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये जो आपको लिखाया गया इसको बस याद रखिएगा, इसी पे अप्लाई होगा सारा कुछ। ये क्या है आपका बेसिक फॉर्मूला, इसी पे अप्लाई होगा सब कुछ। अब मंथली के लिए क्या होता है, पर मंथ टोटल मीन्स व्हाट, कि मंथली मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो क्या बोलता है मंथली के लिए क्या फॉर्मूला, इज इक्वल टू PMT। PMT मतलब पर मंथ टोटल, ब्रैकेट ओपन, B2। B2 में क्या है, मेरा रेट है, रेट है। और मुझे प्रत्येक मंथ के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा। मुझे अगर एक साल में कितना मंथ होता है, 12 होता है, तो 12 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, रेट को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, कॉमा, कॉमा के बाद B3। B3 क्या है, मेरा B3 मेरा टाइम है, ठीक है, B3 मेरा टाइम है। टाइम इंटू, टाइम इंटू क्या बोलता है, 12। टाइम को मैं 12 से इंटू कर दूंगा। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा माइनस B1। B1 में क्या है, मेरा लोन अमाउंट है, ठीक है, मेरा जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट है, जो लोन अमाउंट है वो मेरा B1 में है। B1 के बाद कॉमा 0.1 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इंटर करते ही क्या होगा, इंटर करते ही क्या होगा, इंटर करते ही मेरा इतना अमाउंट दिखला देगा कि 1,603 पैसा पर मंथ देना पड़ेगा, तब जाके मेरा 3 साल में मेरा 50 हजार पूरा हो जाएगा। जब मेरा 3 साल के बाद जो लोन होगा वो मेरा क्लियर हो जाएगा, तब मेरा लोन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब मैं पैसा पूरी तरह से बैंक को चुका दूंगा और अपने घर का जो प्रॉपर्टी का कागज था वो मैं वापस ले आऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसी के लिए पर मंथ टोटल कमांड का यूज करते हैं कि मुझे प्रत्येक मंथ कितने अमाउंट देने पड़ेंगे, ठीक है, प्रत्येक मंथ मुझे कितने अमाउंट देना है, 1,600.3 पर, ठीक है, लेकिन पर ईयर मुझे कितना देना है, 18,277.95, ठीक है। तो ये है पर मंथ, ये है पर मंथ टोटल, और ये है पर ईयर टोटल।
तो आप लोग समझ चुके हैं पर मंथ टोटल और पर ईयर टोटल क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं एमएस एक्सेल सीट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग एक्सेल सीट में निकालना सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलता है? क्या मिलता है मुझे? कुछ इंटरेस्ट मिलता है। कोई किसी को सिंपल इंटरेस्ट मिलता है या किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी तरह जब मैं बैंक में पैसा जमा किया, मैंने 5,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। मैं क्या किया, 5,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। मुझे 10% कितने 10% के लिए मुझे बैंक से पैसा मिला। अब सर आप बोलिएगा, सर आप तो 10% बोल रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ 1000%। तो जब मैं एक्सेल सीट में ऐसा ही निकालिएगा आप, तो जब आप रेट में 10 डालिएगा, 10 डाल के यहाँ पे 10 लिख के इंटर करिएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1000%। क्यों होगा 1000%? आइए समझते हैं 1000% क्यों हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे 10 डालिएगा, इंटर करिएगा, 10 डाल के आप इंटर करिएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ 1000% हो जाएगा। 1000% क्यों होगा सर? यहाँ 1000% क्यों हो जाएगा? कंप्यूटर वाइज इसका प्रोग्रामिंग कुछ इसी टाइप से किया गया है। मान लीजिए परसेंटेज का साइन हम हटा देते हैं, परसेंटेज का साइन हटेगा क्या होगा, into 1/100। जब परसेंटेज का साइन हटेगा, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, 1/100। अब जब यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ था, परसेंटेज को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100। अब 100 से 2 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू 10। मतलब एक्चुअली ये 10 ही है, बस प्रोग्राम किस किया गया है, 1000% का। 1000% में 10% ही बोला जाएगा इसको, या 10 ही बोला जाएगा। एमएस एक्सेल में जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, तो आप जब रेट 10 डाल दिएगा और इंटर के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1000%। क्या हो जाएगा, 1000%। और टाइम मेरा कितना बोला गया, 3 ईयर्स। क्या बोला गया, 3 ईयर्स। ओके, अब बोलता है मुझे कि सर मैं तो 5,000 रुपया सेविंग कर दिया बैंक में, मुझे 10% का इंटरेस्ट भी मिला, 3 साल के लिए मैं उसको सेव कर दिया। अब सर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा? मैंने क्या पूछा है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ठीक है, तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है? क्या बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़े थे? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। ये होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। एसआई का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। ठीक है, अब इसी को बस सिमिलरली पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 5,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है, इनटू 10% का मेरा रेट था, और इनटू टाइम, टाइम कितना था मेरा, 3 साल का मेरा टाइम था, 3 साल का मेरा टाइम था, बाय 100। ठीक है, 10% मींस 10/100। ओके, अब 2 जीरो से क्या किया, ये 2 जीरो कट गया, तो अब क्या होता है, क्या हो जाएगा, 500 × 3। तो 3 में क्या इंटू कर जाएंगे, 500 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1500। मतलब मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 1500 मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 5,000 पे मुझे 3 साल के बाद 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो था मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब सिंपली बस इसी तरह अप्लाई करना, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला भी इसका भी इसी तरह है। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम के बाद क्या बोला है, डिवाइडेड बाय 100, और इंटर, इंटर जैसे ही करिएगा आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिखा देगा कि सर आपका जो 5,000 रुपया आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको 3 साल के बाद 1500 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, 1500 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मुझे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, मैं कितना इन्वेस्ट किया, मैं क्या इन्वेस्ट किया, 5000। 5000 प्लस 3 साल के बाद मुझे 1500 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5150 नहीं सॉरी 6 हो जाएगा ना, 6500। मतलब 6500 मुझे 3 साल के बाद टोटल मिल जाएगा, मतलब 6500 रुपये मुझे टोटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के 6500 रुपये मेरा होता है, और 3 साल के बाद बैंक मुझे 6500 रुपये दे देगी। तो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम कैसे लिखेंगे, मेरा प्रिंसिपल किस पे है, फॉर्मूला देखिए एमएस एक्सेल में कैसे फॉर्मूला टाइप करेंगे वो देखिए, इज इक्वल टू B1, B1 means principal, principal amount मेरा किस पे है, B1 पे मेरा principal amount है, ये B, ये 1, B1 पे मेरा principal amount है, ठीक है, into, into कह दिए हैं, B2, और मेरा rate किस में है, B2 में मेरा rate है, मेरा rate किस में है, B2 में, तो क्या type किया, B2, into, time, मेरा time किस में है, B3 में मेरा time है, मेरा time किस में, B3 में, तो into B3 किए, अब divided by 100 कर देंगे, अब divided by 100 करने के बाद, simply हम लोग interpolate करेंगे, simply हम लोग क्या करेंगे, interpolate करेंगे, interpolate करते ही क्या होगा, हमें अपना सिंपल इंटरेस्ट दिख जाएगा कि मुझे 5,000 पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि एक्सेल सीट पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आज क्या देखना था, आज देखेंगे हम लोग पर मंथ टोटल, ठीक है, जैसे कि हम लोग कभी लोन लेते हैं तो हमें प्रत्येक मंथ कितने अमाउंट पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लोन, वो देखेंगे। आज देखेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट,
कि एमएस एक्सेल में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाले हम लोग वो सब देखेंगे। तो इसके लिए आइए एमएस एक्सेल ओपन कर देते हैं। हम पहले से आप लोग के लिए बना के रखे हैं फॉर्मेट ताकि टाइम वेस्ट ना हो, समझने में भी आसानी हो और सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो क्या है, ये है पर मंथ टोटल। पर मंथ टोटल में मैंने क्या बोला कि हम लोग एक सर्टेन अमाउंट का लोन लेते हैं। जैसे कि मैंने 50,000 का लोन लिया। अब लोन के लिए मैं इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा, बोला मुझे बैंक बोला कि आपको 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, आप 50,000 का लोन लीजिएगा। तो और कितने साल के लिए मैंने अब लोन को डिवाइड करवाया, 3 साल के लिए कि सर मैं 3 साल में 50,000 का लोन पे कर दूंगा विथ इंटरेस्ट। तो क्या बोलता है बैंक मुझे, ठीक है हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन अब तो मैंने तो बोल दिया कि मैं 3 साल में पे कर दूंगा 50,000 का जो भी और जितना इंटरेस्ट मुझे लगेगा वो। लेकिन अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे प्रत्येक मंथ कितने हमको पैसा जमा करना पड़ेगा बैंक में। बैंक वाला तो आपको बता देगा कि सर इतना पैसा आपको प्रत्येक मंथ जमा करता है, लेकिन जब मुझे जानना होगा कि मुझे कितना जमा करना पड़ेगा, जब मुझे खुद से अगर निकालना है कि मुझे कितना जमा करना पड़ेगा बैंक पे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एमएस एक्सेल में जाएंगे, पर मंथ टोटल निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे और उसको अप्लाई करके क्या करेंगे, हम लोग अपना पर मंथ टोटल निकाल सकते हैं कि 50,000 का लोन अगर हम लेंगे तो 10% का इंटरेस्ट मेरे पे चार्ज होगा। तो उसके लिए हमको 3 साल का टाइम लेंगे, तो कितना हमको प्रत्येक मंथ देना पड़ेगा, प्रत्येक मंथ मुझे कितना देना पड़ेगा ये देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको प्रत्येक ईयर मतलब 3 साल में 3 बार में आपको कितने बार पे करना पड़ेगा पर मंथ टोटल। पर मंथ टोटल तो यहाँ ठीक है, लेकिन आपको क्या बताएंगे हम ईयर वाइज बताएंगे अभी। हम अभी आपको पहले ये बताएंगे कि पहला ईयर में आप कितना पे करिएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू पी एम टी मीन्स पर मंथ टोटल ब्रैकेट ओपन के बाद रेट सेलेक्ट करना, क्या B2 सेल में मेरा रेट है B2 कॉमा उसके बाद इन टाइम, B3 सेल पे मेरा टाइम है कॉमा, माइनस क्या कर देना है मुझे, माइनस कर देना अपना लोन अमाउंट को, लोन अमाउंट को माइनस करते क्या करेंगे कॉमा 0, 1 उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली इंटर क्लिक करेंगे। तो ये क्या बता रहा है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, 18,277.95 रुपया आपको प्रत्येक साल पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका 3 साल में आपका लोन जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, प्रत्येक साल मुझे कितना जमा करना पड़ेगा, 18,277.95 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा प्रत्येक ईयर। अब प्रत्येक ईयर का तो मुझे पता चल गया कि मुझे कितना पे करना है, अगर मुझे प्रत्येक मंथ का पता करना कि पर मंथ मुझे कितना पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या स्टेप्स है, उसके लिए फॉर्मूला ये देखते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया जाएगा, इज इक्वल टू पी एम टी पर मंथ टोटल, उसके बाद क्या बोलते हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या बी रेट अमाउंट का सिलेक्ट करेंगे, सेल रेट अमाउंट क्या है B2 में मेरा रेट अमाउंट है, उसके बाद क्या बोलता है डिवाइडेड बाय 12 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रत्येक मंथ का चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा करेंगे, उसके बाद टाइम का सेल डालेंगे, B3 है टाइम का सेल, B3 × 12। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद क्या बोलता है कॉमा करिए, कॉमा करने के बाद माइनस B1 आपका जो लोन अमाउंट होगा उसको माइनस कर दिए, उसका कॉमा 0, 1 उसके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए। इंटर करते ही क्या बता रहा है कि आपको प्रत्येक साल 1,600 रुपया 3 पैसे जमा करने पड़ेंगे बैंक में, मतलब प्रत्येक महीने आपको जमा करने पड़ेंगे 1,603 रुपया बैंक में, तब जाके आपका 3 साल में 50,000 का लोन सेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर मंथ टोटल, यही है हमारा पर मंथ टोटल अमाउंट कि हमें प्रत्येक महीना 1,600 रुपया 3 पैसे जमा करने पड़ेंगे बैंक में। तो यही होता है हमारा पर मंथ टोटल कमांड। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे किस पे, एमएस एक्सेल पे। आपके सहूलियत के लिए मैं फॉर्मेट बना के रखा हूँ। ठीक है, सेविंग रेट टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। सेविंग मान लीजिए हम लोग कितना का कहते हैं, 5,000 का मैंने सेविंग किया। ठीक है, 5,000 का मैंने सेविंग किया और उसमें मुझे कितना का 10% का चार्ज लगता है, 10% का चार्ज लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सेल शीट में क्या होता है, एक्सेल शीट में आप जब 10 अप्लाई करिएगा 10 तो इंटर करते क्या हो जाएगा 1000%, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में यही माना जाता है कि रेट जो 10% होता है वो 1000% को ही माना जाता है। जैसे आप यहाँ पे इंटर करिएगा, जैसे देखिए मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करके मैं यहाँ क्या करता हूँ 10 इंटर करता हूँ, ऑटोमेटिकली 1000 आ जाता है। तो एम एस एक्सेल क्या मानता है, 10% को 1000 मानता है इन सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में। अब कितने साल के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 3 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100।
तो वही बेसिक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरा कहाँ है B1 में, ठीक है। उसके बाद इनटू रेट, रेट हमारा कहाँ है B2 में, इनटू उसके बाद क्या बोलता है टाइम, टाइम हमारा कहाँ है B3 में, उसके बाद क्या बोलता है डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद क्या बोलता है सिंपली आप इंटर करिए, इंटर करते क्या पता चल जाएगा आपको 1500 रुपया का ये होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, आपको 1500 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब 5000 का सेविंग करिएगा तो आपको 1500 रुपया 3 साल के बाद मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए हम क्या करते हैं, 5000 को नहीं जमा करना, हमको क्या करना है 30000 जमा करना है, ठीक है। अब सिंपली आप इंटर करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 9000 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 9000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, कि आपको सिंपल इंटरेस्ट इतना मिलेगा 9000। तो आज हमें इतना ही देखना था सिंपल इंटरेस्ट और क्या बोलते हैं पर मंथ टोटल। अब क्या पर मंथ टोटल एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोन को, हमको लोन कितना चाहिए, हमको मान लीजिए 1000 का लोन चाहिए, समझ लो मैं गरीब आदमी, मुझे 1000 का लोन चाहिए 10% के रेट से, और मैं 3 साल में जमा करूंगा, तब मेरा पर मंथ मुझे कितना जमा करना होगा, इंटर कहते देखिए बता 32 रुपया आपको पर मंथ जमा करना पड़ेगा, तब जाके आप 3 साल में 1000 का लोन कंप्लीट कर पाइएगा विथ इंटरेस्ट। तो यही होता है पर मंथ टोटल। तो आज हम लोग यही सब सीखे, थैंक यू।